नामिक और मोहिनी की नई नई शादी हुई होती है। मोहिनी के सास ससुर प्रेमलाल और शालू को मोहिनी बहुत पसंद होती है। मोहिनी दिन भर एक सर्वगुण संपन्न बहू बनकर रहती है, लेकिन रात को सोने के बाद नींद में ना जाने उसे क्या हो जाता है और वो अजीबोगरीब डरावनी हरकतें करने लग जाती है। एक रात जब नामिक और मोहिनी अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तभी मोहिनी नींद में उठकर बैठती है और वो डरावनी आवाज में कहने लगती है, तंगबली किट्टा वरडे नाजोरा उट्टी पेंडे तंगबली किट्टा वरडे। नामिक जाग जाता है और मोहिनी को भूतों जैसा बर्ताव करते देख उसकी सुसु निकल जाती है। नहीं बचाओ, मेरी बीबी भूत है, नहीं। तंग बल्ले किट्टा वरडे। मोहिनी नामिक को जोरदार लात मारती है और वह सीधे कमरे से बाहर जाकर गिर जाता है। आई रे, लगता है मेरे बम के टुकड़े टुकड़े होकर बम बम नहीं रहा। थोड़ी देर बाद मोहिनी शांत हो जाती है और सो जाती है। अगले दिन, I'm sorry नामिक, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। लाओ मैं तुम्हारे बम पर बम लगा दूँ। अरे नहीं नहीं, पागल वागल हो गई हो क्या, मैं खुद लगा लूंगा। ज्यादा हॉरर मूवीज मत देखा करो यार, दिन भर वही देखती हो और रात को मेरा सस्सो निकाल देती हो। लेकिन मोहिनी का नींद में भूत बनने का सिलसिला यही नहीं थम जाता। जब रात में शालू और प्रेमलाल अपने रूम में रोमांस कर रहे होते हैं। वाह वाह शालू, तुम तो इन छोटे कपड़ों में एकदम एटम पाँव लग रही हो, कसम से यार मन कर रहा है तुम्हें चूम लूं पूरी तरह से। क्या भी काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। दोनों बिस्तर में अपना रोमांस जारी रखते हैं। तभी वहाँ कमरे में मोहिनी जमीन पर भूतों की तरह चलकर आती है और शालू और प्रेमलाल का ब्लैंकेट हटाते हुए उन्हें देखकर डरावने रूप में हंसती है। मोहिनी उन्हें पूरे घर में ढूंढती है और बाद में खुद जाकर सो जाती है। अगली रात शालू देखती है कि मोहिनी नींद में भूत बनकर अब पंखे पर लटक जाती है। तभी प्रेमलाल तांत्रिक को बुलाता है। डरो मत शालू बहन, क्योंकि अब आ गया है भूतों का दुश्मन तांत्रिक तक्रीर। कुछ भी कीजिए तांत्रिक भाई साहब, लेकिन हमारी बहू के अंदर के भूत को बाहर निकाल लीजिए। आल तू जलाल तू आई भला को डाल तू। तभी मोहिनी पंखे से कूदकर तांत्रिक को लात मारती है और वो सीधे खिड़की से बाहर उठ जाता है और उसके बदन की सारी हड्डियां टूट जाती हैं। ऐसे ही एक दिन नामिक इस बात को अपने दोस्त रंजन को बताता है। तभी रंजन के पिता जो कि एक डॉक्टर होते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। रंजन के पिता मनोहर कहते हैं, नामिक बेटा, तुम्हें अपनी बीवी के भूत बनने के लिए तांत्रिक या किसी बाबा की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। अब मतलब डॉक्टर थोड़ी भूत भगा सकते हैं मनोहर अंकल? अरे बेटा, तुम्हारी बीवी के अंदर किसी भूत प्रेत का वास नहीं है, ये सारी बेकार की बातें हैं।
एक्चुअली तुम्हारी बीवी को एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति अजीबोगरीब डरावनी हरकतें करता है और इसके लिए बहुत बड़ा इलाज करना पड़ता है, वरना इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता है कि वो नींद में क्या कर रहा है। एग्जैक्टली अंकल, मोहिनी भी कभी फैन पर तो कभी टेबल पर चढ़ जाती है और किसी को भी मारती रहती है और अगली सुबह कहती है मैं तो गहरी नींद में थी। मनोहर मोहिनी का इलाज कराता है, मोहिनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसके नींद में भूत बनने की आदत भी छूट जाती है। इतिहास गवाह है कि एक सास बहू का रिश्ता बिल्कुल दो दुश्मनों जैसा होता है, लेकिन सरला जी की बहू रितिका उनसे खूब प्यार करती है। और दोनों का रिश्ता बिल्कुल किसी माँ बेटी के समान होता है। पर एक दिन किसी समस्या के चलते सरला जी की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के ठीक 6 महीने बाद रितिका के ससुर जी अंकुश एक जवान लड़की से शादी कर उसे अपने घर ले आते हैं, जिसे देखकर रितिका और उसके पति राज के होश उड़ जाते हैं। अरे ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो रितिका बहू, स्वागत नहीं करोगी अपनी नई सास का? हेलो, मेरा नाम बेला है। अरे तुम्हारा नाम बेला हो या केला, हमें उससे क्या, और ये सब क्या है पापा जी, आप नई सास लेकर आए और वो भी जवान? बहू, प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अरे प्यार तो प्यार होता है, क्यों मेरी जाने मन? हाँ एंकी जानू। पापा, हमें आपकी दूसरी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने एक जवान सौतेली माँ देकर मेरा दिल दुखाया है। राज और रितिका दोनों बेला को स्वीकारने में पहले तो मुंह बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अंकुश की खातिर उसे अपनाना ही पड़ता है। एक दिन की बात है। एंकी जान, ये देखो ना, ये ऑफर सिर्फ 2 हफ्तों तक के लिए लागू है, लंदन की ट्रिप वो भी 50% डिस्काउंट में। एंकी, हम हमारा हनीमून वहीं मनाएंगे। ओके जाने मन, तुम्हें जहाँ जाना है मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। मैं आज ही हॉट हॉट ड्रेसेस खरीद लेती हूँ ताकि हमारा हनीमून भी एकदम हॉट हो। रितिका को बेला को अंकुश के करीब जाते देखकर बड़ा गुस्सा आता है। वो अपनी स्वर्गवासी सास की तस्वीर देखकर कहती है, देखिए ना माँ जी, क्या से क्या हो गया, लेकिन मैं आपकी प्यारी दुलारी लाडली बहू आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी सौतेली जवान सास का हनीमून कैंसिल करा के ही रहूँगी। इस रितिका नाम की काली बिल्ली के होते हुए बेला नाम की भैंस लंदन लैंड नहीं कर पाएगी। जिस दिन बेला और अंकुश दोनों लंदन के लिए निकलने वाले होते हैं, एंकी जान, मेरी तो टाइटैनिक फिश ही हो गई, अब मैं चल भी नहीं पा रही हूँ, पूरी टंकी खाली हो चुकी है। वो तो समझ में आ रहा है, तुमने बाथरूम में इतना गुड़ गोबर जो किया है। पापा, अब तो आप दोनों की फ्लाइट भी मिस हो गई। अब तो मेरी बेचारी सास का हनीमून तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब ये ठीक हो जाएंगी। हाँ रितिका बहू, लेकिन तेरे हनीमून को सक्सेसफुल होने के रास्ते में कांटे मैं बिछाऊंगी और फिर तू नाचेगी कांटा लगा ओई मा ओई मा ओई मा। रितिका, यहाँ बाथरूम के चक्कर लगा लगा कर मेरी हालत खराब हो गई है और तुम होगी यहाँ ठुमके लगा रही हो। अरे नहीं नहीं न्यू सासू माँ, मैं तो बस ऐसे ही बस डांस कर रही थी। वो रितिका का ये प्लान तो कामयाब हो जाता है, लेकिन जब एक हफ्ते बाद बेला ठीक हो जाती है तभी वो फिर से लंदन जाने की तैयारी करती है। ये कलमुही बाज नहीं आएगी, अब तो इसके हनीमून के मून को ग्रहण लगाना ही होगा। हाँ, रितिका बेला के बैग से उसका पासपोर्ट चुरा लेती है और जब बेला एयरपोर्ट पर पहुंचती है तब उसे फ्लाइट में बैठने नहीं देते। आते वक्त वो बहुत रोती है। अब रो रो कर आंसू की बाल्टियां भरने का क्या फायदा। न्यू सासू माँ, मैं तो कहती हूँ आप बस घर पर आराम करो, कहीं जाओ ही मत। लेकिन रितिका, मुझे भी हनीमून की रोमांटिक मेमोरीज बनानी है। अरे आग लगे तेरे मेमोरीज को, भूतनी पिशाचनी। एक रात जब रितिका रात को सोने से पहले सरला के फोटो के सामने रखे दिए में घी डालने जाती है,
तभी उस फोटो में से सरला बाहर निकलती है। माँ जी आप? डरो मत रितिका बहू, मुझे स्वर्लोक से धरती लोग आने की 2 मिनट की अनुमति मिली है। मैं तुम्हें बस ये बताने आई हूँ कि जैसे तुम मुझसे प्यार करती थी वैसे ही अपनी नई सास से भी करो। अंकुश जी और उनकी खुशियों में बाधा मत डालो बहू। अब मैं जा चुकी हूँ और मेरे जाने के बाद अंकुश जी अकेले पड़ गए हैं, इसलिए उन्होंने बेला से शादी की। अगर अंकुश जी की जगह मैं किसी आदमी से शादी करती तो तब भी तू मेरे खिलाफ होती? हरगिज़ नहीं माँ जी। इसलिए अंकुश जी और बेला को खुश रहने दो। बेला बहुत अच्छी है, वो दोनों अब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अंकुश जी के जीवन की नई शुरुआत के रास्ते में कांटों की जगह फूल बिछाओ बहू। ठीक है माँ जी। रितिका को एहसास हो जाता है कि वो गलत कर रही थी। वो सरला को गले से लगाती है और 2 मिनट पूरे होते ही सरला स्वर्ग लोक वापस चली जाती है। और उस दिन के बाद से रितिका अपनी सौतेली सास बेला से अच्छे से पेश आने लगती है और वो खुद उसे हनीमून जाने के लिए फिर से प्रोत्साहित करती है।